किडनी, ठीक है, इंफेरियर वेना कावा के थ्रू राइट किडनी और लेफ्ट किडनी से जो भी प्रोडक्ट रहता फिर से पूरे शरीर में वो अपना वर्क फंक्शन करने चला जाता है। क्लियर है? अब इस दोनों किडनी के ऊपर एक छोटा सा इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, कौन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, चाहे इसको दूसरे भाषा में कहते हैं हम लोग लेफ्ट सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का है, ठीक है, या सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है, दोनों नाम बराबर होता है, एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, दोनों का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड, ये एक लेफ्ट साइड, ठीक है, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ हमारा एड्रिनल ग्लैंड एंड सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड्स स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका डायग्राम, फिर किडनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, देन अब हम लोग चलते हैं आगे किडनी का लोकेशन। क्लियर है? देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किडनी आर ऑल्सो कॉल्ड रेनस, ठीक है, फ्रॉम विच वी हैव द डेरिवेटिव रीनल, ठीक है, इसको हम लोग रीनल भी कहते हैं। द किडनी आर ए पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है, इट्स पीएच वैल्यू। उसके बाद ये आपका डायग्राम है किडनी का, इसको नोट कर लें। चलिए, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा करके यहाँ बोल देता हूँ, जो आपको नोट करने में दिक्कत ना होगा, ठीक है। लिखिए, द किडनी आर ऑल्सो कॉल्ड रेन्स फ्रॉम विच वी हैव द डेरिवेट रीनल, ठीक है। चलिए, पैराग्राफ चेंज, नीचे से, द किडनी आर ए पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फुल स्टॉप, देन दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्लियर, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस